श्री दामोदर रघुजी अंग्रेज़ी माध्यम पाठशाला के सातवीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। तो आइए बच्चों, पाठ छः, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इस पाठ के मैं आपको प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उनके उत्तर समझाती हूँ और आपको किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको बोलती हूँ। तो आप इस हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ के शब्दार्थ तो आप लिखे होंगे ना बच्चों। तो अब एक वाक्य के प्रश्न उत्तर वो हम पहले लिखते हैं। एक वाक्य के प्रश्न उत्तर लिखिए, उसका पहला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका। ये ऐसा भी लिखे तो चलेगा या इस तरह भी आप अगर लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? उत्तर है, ये देखो उत्तर है बच्चों, तिरंगा ध्वज देश की और शान का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में यहाँ पे गलती हो गई है बच्चों, क्या आ की मात्रा यहाँ पे नहीं आई है इसलिए मैंने वहाँ पे आ की मात्रा लगा दी है। प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? उत्तर है राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे हिंदी में सत्य, ये सत्य में वो ये गलत है बच्चों, ये ऐसा लिखना चाहिए स मेव जयते, ये अर्धा त आना है, कंप्लीट य आना है और मेव सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ ये प्रश्न है, इसका उत्तर है हमारे आप लिखो या राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, राष्ट्रगान, ये नहीं आ की मात्रा यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, राष्ट्रगान किसने लिखा है? उत्तर है राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चौथा प्रश्न, मोर कब नाचता है? उत्तर है मोर वर्षा ऋतु में नाचता है, वर्षा ऋतु में नाचता है। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों, कमल कहाँ खिलता है? उत्तर है कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। सेकेंड बीट देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही का निशान या गलत के सामने गलत का निशान लगाओ, ये वो है। यहाँ पे देखो पहला केसरिया, आ की मात्रा आना है यहाँ पे, केसरिया रंग त्यागा नहीं, ये गलत है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये त्याग नहीं आना, त्यागना ऐसा इस तरह। त्याग ये करेक्ट रहेगा, केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है।
सही उत्तर, माफ़ करना, सही है ये। दूसरा देखो, राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां है। राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां है, सही है बच्चों उत्तर? नहीं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियां है? राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां नहीं है, इसलिए ये गलत है। तीसरा, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह नहीं है बच्चों, 4 मुख वाला सिंह है, इसलिए ये गलत है। अब पांचवा देखो बच्चों, मोर की गर्दन लाल होती है। मोर की गर्दन लाल होती है? नहीं, मोर की गर्दन लाल नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। थर्ड बीट देखो बच्चों, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में पहला क्या है? पवित्र। इसका उत्तर है अपवित्र। सत्य असत्य, एकता अनेकता, यहाँ पे ये एकता आई की मात्रा नहीं आना चाहिए, एकता अनेकता, विजय पराजय, ऐसा पराजय, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया बच्चों, हम उसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। ये पराजय, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। अब फिफ्थ वन देखेंगे, स्वतंत्र परतंत्र, ये बिंदु नहीं आना चाहिए, ये वाला बिंदु नहीं आना चाहिए, परतंत्र हो गया। अब फोर्थ बीट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ वन बीट देखो बच्चों, क्या है? बिंदुओं को मिलाकर मेयर लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए मोर, मोर, ये गलत है। मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो, ये आपका बीट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपको मैं मोर का चित्र बताती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मोर का चित्र है, इन ये जो डॉट डॉट जो बिंदुए हैं, इनकी सहायता से आपको ऐसा भर के इस चित्र को बनाना भी है, और ये चित्र बना के आपको इसकी सहायता से ये पूरे जो बिंदु है ये भरना है, तो आपका मोर रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बीट, माफ़ करना बच्चों, मैंने आपको जब सेकेंड वन बीट में जब बोल रही थी आपको, एक एक प्रश्न वहाँ पे छूटा था, वो वाला यहाँ पे है, मैं बताती हूँ। आप सेम इसी तरह लिखो जो इसमें है, सेम आप इसी तरह लिखो बच्चों। अब देखो ये क्या है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत के सामने गलत का निशान लगाओ प्रश्न है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, सही है। राष्ट्रीय ध्वज में 34 तिलियां है, मैंने उसका उत्तर भी बोल दिया था, राष्ट्रीय ध्वज में 34 नहीं 24 तिलियां है, इसलिए ये गलत रहेगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है, गलत है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुख वाला सिंह है, ये भी गलत रहेगा। और राष्ट्रगान गाने में 22 सेकेंड लगते हैं, ये वाला प्रश्न मैं अब जो आपको समझा रही थी उसमें नहीं था, राष्ट्रगान गाने में 22 सेकेंड लगते हैं, सही उत्तर है मोर की गर्दन लाल होती है। यहाँ पे ये मोर की गर्दन जो लाल होती है जो बोल रही हूँ मैं, वो गलत है, क्योंकि मोर की गर्दन लाल नहीं नीली तथा लंबी होती है, इसीलिए ये फिफ्थ वन भी जो प्रश्न है वो भी गलत है। मोर की गर्दन लाल होती है, यहाँ पे दिया हुआ है मोर की गर्दन लाल नहीं होती है, नीली तथा लंबी होती है, और ये सही उत्तर है, सही है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला, ये भी गलत है। राष्ट्रीय ध्वज में 34 नहीं 24 तिलियां रहती है, और केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, फिफ्थ वन बीट,
प्रश्न देखो, सोचो, सही शब्द चुनो, चित्रों के आगे लिखो। ये क्या है, ये क्या है? फर्स्ट वन, पहला क्या है? राष्ट्र पक्षी है। ये क्या है? राष्ट्र पक्षी है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा राष्ट्र पक्षी। यहाँ पे मैंने वन करके यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी वन यहाँ पे है। उसके बाद ये क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी हो गया, पहला हो गया। ये क्या है? अशोक चक्र है। सेकेंड वन अशोक चक्र है। और ये क्या है? राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये राष्ट्रीय ध्वज है और ये राष्ट्रीय प्राणी है। ये क्या है बच्चों? ये राष्ट्रीय चिन्ह है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है ये। और ये राष्ट्रीय पुष्प है। समझ में आया बच्चों? ये देखो बच्चों, ये राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय पक्षी। इसके बाद राष्ट्रीय अशोका चक्र, नहीं अशोक चक्र। ये अशोक चक्र है। इसके बाद देखो, ये राष्ट्रीय अशोक चक्र है। ये देखो बच्चों राष्ट्रध्वज है, ये वाला राष्ट्रध्वज है। इसके बाद ये राष्ट्र प्राणी है। ये राष्ट्र प्राणी है। ये देखो बच्चों, राष्ट्र चिन्ह है। पांचवा ये क्या है? राष्ट्र चिन्ह है, ये राष्ट्र चिन्ह है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय पुष्प है। सिक्स्थ वन बीट देखो बच्चों। का के की से बने वाक्य पढ़ो और समझना है, लेकिन आपको क्लासवर्क में लिखना ही पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे पहला देखो, वो गीत का खिलौना है। का, यहाँ ये का के जो अक्षर है, इसकी सहायता से हमको एक शब्द वहाँ पे वाक्य बनाना है। देखो यहाँ पे, वे मुर्गी के अंडे है। और यहाँ पे वो बुढ़िया की लाठी है। ये राम की पेंसिलें है। वे बतख के बच्चे है। वो बालक की किताब है। वे मीना के गहने हैं। वो माला का भाई है। सेवेंथ वन बीट देखो बच्चों। नीचे दी गई, यहाँ पे नीचे दी गई तालिका से अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। या नहीं लिखना है, बनाओ सिर्फ वही लिखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कुछ यहाँ पे एक ये बना दिया गया है, एक सूची यानी कि एक बॉक्स में यहाँ पे कुछ अक्षर है, तो इन अक्षरों को चुन के आपको यहाँ पे शब्द बनाना है।
यहाँ पे शब्द देखो, इस कॉलम में आपको शब्द लिखना है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, देखो बच्चों, देखो पहला उसी में वो जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसी में से चुन के आपको लिखना है। सागर, पूरी, सारी, सात, ये सब आपको वहाँ पे लिखना है। एड तुरंत बीट देखो बच्चों, एड तुरंत बीट देखो, नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बच्चों, राष्ट्रगीत जनगणमन, राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय खेल, और राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय फूल, और राष्ट्रपिता। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पे लिखे हुआ है देखो, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये थे आपके पार्ट 6 के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के प्रश्नोत्तर, और सभी नोट्स ही समझो आप, ये सब थे, आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।